السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. हाज़रीन, आज की इस नशिश्त में आपके सामने जिस मौजू के तहत कुछ बातें मैं आप रखना चाहता हूँ वो है अज़ान की फजीलत और अज़ान देने वाले की फजीलत। इससे पहले हमने तहारत और वज़ू के ताल्लुक से तफसील से हम सुन चुके हैं, इसलिए अब वज़ू के बाद जो हम कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं वो है अज़ान की फजीलत क्या है, क्या उसका सवाब है, अज़ान देने वाले की क्या फजीलत है, इस ताल्लुक से हमको हदीस में क्या मिलता है। क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग इससे महरूम हैं कि ज़िंदगी में कभी भी उनको अज़ान या तो वो सीखते नहीं या अगर आती है तो कभी देने का उनके अंदर शौक पैदा नहीं होता। और आज तो ऐसा हो गया है कि अज़ान देने के लिए आदमी को फिक्स कर दिया गया है और इंसान ज़िम्मेदारी दे दिया किसी को और उसके बाद सब आज़ाद हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सबको इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए। जिस चीज़ में फजीलत और सवाब हो हमको ख़ुद ये शौक़ पैदा हमारे अंदर होना चाहिए कि हम भी वो फजीलत हासिल कर लें। तो आज के दर्स में हम देखते हैं कि क्या फजीलत है अज़ान की और क्या फजीलत है अज़ान देने वाले की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो यअलमु अन्नासु मा फिन्निदाई वस्सफ़्फ़िल अव्वल, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अजान में और पहली सफ में क्या है, यानी कितनी फजीलत कितना सवाब है इसमें, अगर ये लोगों को मालूम हो जाए, वलम यजिदू इल्ला अन यस्तहिमू अलैहा लस्तहिमू अलैह, और इस फजीलत को पाने के लिए अगर कुरा अंदाजी के अलावा कोई चारा ना हो तो लोग कुरा अंदाजी के लिए भी तैयार हो जाएंगे। यानी अजान में और पहली सफ जो इमाम के बाद ही होती है, इन दोनों में कितनी फजीलत कितना सवाब है अगर आदमी को मालूम हो जाए, सवाब उसका मालूम हो जाए, फिर उसके लिए कुरा अंदाजी डालना पड़े तो लोग कुरा अंदाजी के लिए भी तैयार हो जाएंगे क्योंकि सवाब पाने के लिए बढ़ेंगे। आगे आप फरमाते हैं, وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि अव्वल वक्त में क्या है, तकबीर उला जो होती है, तकबीर जो होती है, पहले अव्वल वक्त में जा करके इमाम के साथ तकबीर में शरीक होना, अगर ये मालूम हो जाए आदमी को, لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ, तो ज़रूर उसकी तरफ आदमी लपकेगा और भागेगा। क्यों नहीं जा रहा है, सुस्ती क्यों है, उसकी कीमत नहीं मालूम, उसकी अहमियत नहीं मालूम,
आप आगे फरमाते हैं वलौ यअलमून मा फिल अतमा वस्सुबह, अगर लोगों को इशा और फजर की नमाज की फजीलत मालूम हो जाए लअतौहा वलौ हबवा, तो जरूर बिजरूर उसमें शामिल होंगे, अगर घिसट कर भी आना पड़े जमीन पर तब भी आएंगे। यानी जमीन पर अगर सुरीन के बल घिसट के आना पड़े, ऐसा मजबूर आदमी हो जिसको घिसटना पड़े जमीन से, तो भी वो आएगा, लेकिन आएगा कब, जब इसकी अहमियत मालूम हो जाए। ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को जिक्र किया है, बहुत जामे हदीस। इंसान दुनिया में जिस चीज की कीमत उसको मालूम होती है उसकी तरफ लपकता है, भाग के जाता है, लेकिन जिस चीज की अहमियत नहीं मालूम होती है उसमें वो गाफिल सुस्त हो जाता है। आप देखिए, एक आदमी सोया रहता है, अगर फजर से पहले उसके पास फोन आ जाए, आ जा एक पेड़ी तैयार है लेके जा, तो भाग के जाएगा, किसी और को नहीं भेजेगा, कहीं लेके भाग गया तो, इसलिए खुद जाएगा। लेकिन रोज मुअज्जिन बुलाता है, अजान देता है, नमाज के लिए नहीं आता, क्यों, वो फोन सुन के जा रहा है, फोन सुन के नमाज से पहले भाग के जा रहा है और ये सुन के नहीं आ रहा है, क्यों, इसलिए कि उसकी निगाह में उसकी कीमत, पैसे की कीमत मालूम है और नमाज की कीमत नहीं मालूम। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इस हदीस में यह बताया कि अगर लोगों को यह मालूम हो जाए कि अजान की फजीलत क्या है, सवाब क्या है, कितनी अहमियत है यह मालूम हो जाए, और पहली सफ की कितनी फजीलत यह मालूम हो जाए, तो आप कहते हैं कि अगर कुरा अंदाजी भी डालना पड़े, कुरा अंदाजी करना पड़े तो आदमी कुरा अंदाजी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन इसको छोड़ेगा नहीं, आगे बढ़ेगा, आएगा भाग के। तो इस हदीस में अजान की फजीलत अल्लाह के नबी ने बताई कि बहुत सवाब है, इतना सवाब है कि अगर कोरा डालना पड़े तो आदमी कोरा भी डाल लेगा, लेकिन जाने की कोशिश करेगा, उसको पाने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें बताई, लेकिन आज इंसान गाफिल है। तो इस हदीस से अजान की फजीलत मालूम होती है। एक और रिवायत जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में जिक्र किया है, देखिए कितनी फजीलत है अजान देने वाले की। आप फरमाते हैं, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए सुना,